भाजपा को लगा पंजाब में बड़ा झटका। भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुए बड़े नेता जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने दिलाई सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील शर्मा पिंकी हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल। भाजपा के खेमे में निराशा। जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। सुशील शर्मा पिंकी यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं रोपड़ जिले के इंचार्ज भी थे। इस दौरान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने कहा कि बसपा के संपर्क में कई भाजपा नेता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कसौटी पर जो खरा उतरेगा उसे ही बहुजन समाज पार्टी में लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुशील शर्मा पिंकी तलवाड़ा के सरपंच रहे हैं और फिर तलवाड़ा ब्लॉक समिति के सदस्य रहे, उसके बाद तलवाड़ा कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी के प्रधान रहे और फिर जिला परिषद के मेंबर बने। वर्ष 2013 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज सेल के कन्वेनर रहे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मेंबर रहे, जबकि साल 2020 से अब तक वह भाजपा पंजाब कार्यकारिणी के सदस्य और विधानसभा क्षेत्र रोपड़ के इंचार्ज बने रहे। इस दौरान अनिल कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, बॉबी यूएसए, हरीश शर्मा, डॉक्टर सरबजीत सिंह ठाकुर, वासदेव, सतनाम सिंह सैनी, प्रेम कुमार, राम प्रसाद शर्मा, कैप्टन कुलदीप राणा, थैनू राम, सुशील जी, बालकृष्ण मेहता, अशोक मेहता आदि सैकड़ों साथी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।